हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए जो चार्ट लेके आया हूँ ये है बजाज कंज्यूमर का। ओके, आज हम बजाज कंज्यूमर की स्टडी करेंगे कि ये चार्ट कौन से पैटर्न बना रहा है और क्या इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि ये कोई ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टडी है। तो प्लीज़ अपने आप से हिसाब से स्टडी कीजिए और किसी भी शेयर में तभी एंट्री लेना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। मैंने ये पहले कुछ बना रखा है, देखिए यहाँ से इसने सबसे पहले सपोर्ट लिया, दिखाता हूँ आपको। देखिए पहला सपोर्ट यहाँ से लिया, ओके, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे इसने एक डबल टॉप बनाया। ठीक है, डबल टॉप बनाने के बाद फॉल और यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट उसी ट्रेंड लाइन से, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस और फिर इसी ट्रेंड लाइन पे आके एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और लग रहा है कि यहाँ से ये सपोर्ट दोबारा लेगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में, वीकली में। ये देखिए वीकली में भी ये कुछ खास नहीं बना रहा है, इसके बाद को देखते हैं हम डेली में। डेली में देखिए इसको, ये देखिए इसका फॉल देखिए कितना अच्छा है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल, फिर कंसोलिडेशन, फिर फॉल, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट, फिर फॉल, फिर रिट्रेसमेंट, फिर फॉल, यहाँ से सपोर्ट लेके और अब इस चैनल में ये मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसने कितना अच्छा पैटर्न बनाया यहाँ से। ये देखिए ये था इसका हाई, उसके बाद लोअर हाई, फिर से लोअर हाई, फिर लोअर हाई और अब यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को पूरा लगता है भी यहाँ से ये यहाँ पे आके ज़रूर रेजिस्टेंस लेगा, जो अपना इसने पुराना लोअर हाई बनाया है, अगर ये अपनी मूवमेंट चेंज करने के मूड में है तो। ठीक है, देखिए पैटर्न यहाँ से कितना अच्छा बना है। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं 2 आवर्स में। ये देखिए 2 आवर्स में देखिए इसने यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद कंसोलिडेशन शुरू की है एक चैनल पैटर्न में। ठीक है ना, ये देखिए कि यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी बढ़िया ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ से पहले सपोर्ट लेता रहा, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट लेता रहा वो। देखिए कोई भी शेयर है वो बड़े अच्छे पैटर्न में मूवमेंट देते हैं, उस पैटर्न को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी बढ़िया तरीके से ही मिलता है। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा मूवमेंट था और अभी ये इसी पैटर्न में मूव कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन और बन सकती है इसकी यहाँ से, आवरली में देखते हैं। ये देखिए यहाँ से ये भी एक ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है आपको। देखिए थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देते हैं, ये देखिए अभी आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कैसे मूवमेंट हो रही है, यहाँ से फॉल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी अगर मेरे को ये इस ट्रेंड लाइन पे मिलेगा
ठीक है, और यहाँ पे कोई अच्छा पैटर्न, मान लो कोई अच्छी कैंडल बनाता है, कोई हैमर कैंडल बनाता है या कोई बुलिश और जैसे इनकल्फिंग कैंडल बनाता है कोई, तो मैं इस यहाँ पे ज़रूर एंटर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और हमारा टारगेट होगा या तो ये ट्रेंड लाइन और या जो ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये दो टारगेट हम रख सकते हैं, पर एंट्री हम तभी लेंगे जब अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो मिलेगा। ओके, देखिए ट्रेडिंग में मेन दो चीज़ें ही होती हैं, एक तो आपकी पोजीशन साइजिंग और दूसरा अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो। कभी भी ट्रेडिंग में एंटर करते हुए 1:2 से कम रिस्क रिवार्ड ना रखें, इससे ऊपर चलोगे तभी आप प्रॉफिट में जाओगे। ठीक है, कभी ये मत देखिए बड़ा अच्छा पैटर्न बन रहा है, मैं घुस जाता हूँ, कोई बात नहीं, 1:1 मिल रहा है, क्योंकि पैटर्न कभी भी फेल हो सकते हैं, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है, कोई कंफर्मेशन नहीं होती। अभी ये इस हिसाब से चल रहा है, अगर ये मेरे को यहाँ कहीं पे मिलता है तभी मैं इसमें एंट्री करूँगा, क्योंकि ये यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगी भाई। ठीक है, और आपको पहले बता ही दिया है, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से इसे स्टडी कीजिएगा और तभी इसमें एंट्री लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अच्छी वीडियोस के लिए, ऐसी नॉलेज वाली वीडियो या स्टडी देखने के लिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आए वो आप मिस ना कर सको। ठीक है, और आपके पास जल्दी से जल्दी किसी अच्छे ट्रेड की इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है वीर दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।